नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ दीपक भदौरिया और हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। और केंद्र सरकार और प्रदेश की छत्तीसगढ़ सरकार के बीच धान को लेकर जो ठन गई है, दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर अब जमकर आरोप और प्रत्यारोप कर रही हैं। बीजेपी का कहना है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को प्रधानमंत्री के साथ बैठक कर प्रेम से बात करनी चाहिए, निवेदन करना चाहिए, लेकिन यहां से लोगों को ले जाकर प्रदर्शन करना, देश को यह बताना कि केंद्र चावल है वो जो नहीं खरीद रही है, नहीं ले रही है, ये गलत है। हमारा मूल मंत्र यही है कि सबका साथ और सबका विकास। छत्तीसगढ़ की जनता इससे अलग नहीं है। इधर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने राज्य शासन के द्वारा प्रदेश के सभी कमिश्नरों को भेजे गए परिपत्र में 1850 रुपए के समर्थन मूल्य का जिक्र किया है। धान खरीदी के मसले पर केंद्र और राज्य के बीच का टकराव कम होने का नाम नहीं ले रहा है। भूपेश सरकार ने दिल्ली कूच का ऐलान किया तो अब छत्तीसगढ़ से केंद्र सरकार में इकलौती मंत्री रेणुका सिंह ने इसे नौटंकी करार दे दिया है। इधर सरकार के वरिष्ठ मंत्री मोहम्मद अकबर ने कहा कि केंद्र ने केवल पीडीएस में खपत होने वाले करीब 25 लाख मैट्रिक टन चावल को ही खरीदने की रजामंद दी है, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस सरकार अपने वादे के मुताबिक 2500 रुपए समर्थन मूल्य पर ही धान खरीदेगी। हालांकि इन तमाम सियासी बखेड़े के बीच राज्य शासन की ओर से सभी कमिश्नरों को जारी उस परिपत्र को लेकर भी हंगामा मच रहा है जिसमें केंद्र सरकार की ओर से तय समर्थन मूल्य का जिक्र किया गया है। ऐसे में विपक्ष आरोप लगा रहा है कि सरकार किसानों में भ्रम की स्थिति पैदा कर रही है। चर्चा शुरू करें उससे पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ इन दिनों धान की सियासत पर उबल रहा है। भूपेश सरकार के दिल्ली कूच के ऐलान के बाद बीजेपी ने भी जहां राज्य में किसानों को जोड़कर सरकार के खिलाफ बड़ी लड़ाई की रणनीति तैयार की है। इन तमाम सियासी दावपेच के बीच नेताओं के बीच बयानबाजी भी जमकर चल रही है। धान की सियासत में अब मोदी सरकार की मंत्री रेणुका सिंह ने भूपेश सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस को सोच समझ कर घोषणा करनी चाहिए थी, क्योंकि घोषणा की है तो उसे ये अब पूरा करें। सड़क के रास्ते दिल्ली जाकर प्रदर्शन करने की बात कर रहे हैं। मैंने देखा है कि जब भूपेश बघेल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे तब से लगातार ऐसी नौटंकी करते आए हैं। आज भी मैं इसे उनकी नौटंकी ही कहती हूँ। मंत्री रेणुका सिंह ने कहा है कि सरकार बनाने के पहले कांग्रेस ने किसानों के सामने जो झूठे वादे किए हैं, हमारी सरकार थी, हमने 2100 रुपए प्रति क्विंटल धान का समर्थन मूल्य देने की बात कही थी, लेकिन केंद्र सरकार की पॉलिसी की वजह से हम 3 साल नहीं दे पाए। इसका खामियाजा हमें भी भुगतना पड़ा। केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि ऐसे में मुख्यमंत्री को स्वयं समझना चाहिए कि केंद्र की पॉलिसी क्या है। उन्होंने कहा है कि मैं भी मंत्री हूँ, केंद्र सरकार में छत्तीसगढ़ में इकलौती मंत्री हूँ। कभी किसी समस्या पर उन्होंने मुझसे 5 मिनट नहीं मांगा, राज्य की किसी समस्या पर मेरे साथ बैठकर 5 मिनट चर्चा नहीं की। मैं भी चाहती हूँ कि छत्तीसगढ़ का विकास हो, किसानों को किसी भी तरह से कोई दिक्कत ना हो, युवाओं महिलाओं को कोई नुकसान ना हो, विकास अवरुद्ध ना हो, लेकिन इसके लिए समन्वय का रास्ता सबसे उचित रास्ता है। लेकिन मैं इस सरकार में समन्वय का अभाव देख रही हूँ। जहाँ इन्हें समन्वय बनाना है वहाँ ये अनाप शनाप बयानबाजी करते हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि कल मैंने सोशल मीडिया के जरिए देखा कि पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ जिस तरह की टिप्पणी कर रहे थे, प्रधानमंत्री के खिलाफ भी ऐसी टिप्पणी करते हैं। आप उन दिनों के बारे में सोचिए जब देश में मनमोहन सिंह की सरकार थी, तब केंद्र से आने वाले मंत्री छत्तीसगढ़ के काम की तारीफ करके जाते थे। आज ऐसा क्या कारण है कि दोनों सरकारों के बीच समन्वय नहीं बन पा रहा है? मंत्री ने कहा है कि किसानों का अहित हम भी नहीं चाहते हैं। सरकार बनाने के पहले कांग्रेस ने किसानों के सामने जो झूठे वायदे किए हैं, जब हमारे यहाँ पर सरकार थी, हम 2100 रुपए प्रति क्विंटल धान का समर्थन मूल्य देने की बात कहे थे, लेकिन केंद्र सरकार की पॉलिसी के कारण हम लोग भी 2-3 साल नहीं दे पाए, जिसका खामियाजा हम लोगों को भुगतना भी पड़ा, ये आप सब लोगों के सामने है। जिस को आपने लेटर भेजा कमिश्नरों को, आयुक्तों को, वो निर्देश जारी करेंगे कि 1800 रुपए के जो परिपत्र आए 1800 कुछ रुपए का, उसके आधार पर धान की खरीदी हो। किसान वहां पर धान लेकर के जाएंगे और ये बोलेंगे कि हमको 2500 रुपए में सरकार खरीदी करेगी, तो अधिकारी और किसान के बीच में संघर्ष की स्थिति निर्मित होगी। तो भ्रम, उस आदेश को निकालने वाला कौन, उस आदेश को भेजने वाला कौन,
और उसमें राजनीति वाले करने वाले कौन है। इस मामले में राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने चेतावनी भरी लहजे में कहा है कि अगर केंद्र ने धान नहीं खरीदा तो कोयला देना बंद कर देंगे। जयसिंह अग्रवाल ने कहा है कि बीजेपी की वादा खिलाफी को लेकर जेल भरो आंदोलन पर कटाक्ष किया और कहा कि कांग्रेस के प्रदर्शन के सामने बेमतलब बीजेपी प्रयास कर रही है जिसमें वो सफल नहीं हो पाएगी। बीजेपी नेताओं के पास कोई मुद्दा कोई काम नहीं है इसलिए उजूर फिजूर आरोप लगाकर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए दिल्ली में प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है और हम लोग दिल्ली जाएंगे और अगर इसके बाद भी वो नहीं मानते हैं तो हम लोगों का ये भी फैसला है। प्रदेश अध्यक्ष ने घोषणा की है कि हम जैसे कोरबा से कोयला प्रोडक्शन होता है भारी मात्रा में जो केंद्र के अन्य प्लांटों में भी जाते हैं दूसरे प्रदेशों में भी जाते हैं तो हम उसका कोयला पानी बंद कर देंगे। बहरहाल केंद्र और राज्य सरकार के बीच शुरू हुआ ये टकराव कहां जाकर खत्म होगा इस पर फिलहाल कुछ भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है कि यदि केंद्र राज्य के प्रस्ताव पर सहमति नहीं हुआ तो सरकार के पास विकल्प क्या होगा। रायपुर से रूपेश गुप्ता के साथ आशीष तिवारी की रिपोर्ट। इसी खास मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मेहमान हमारे साथ रायपुर से स्टूडियो से जुड़ गए हैं। धनंजय ठाकुर हैं कांग्रेस प्रवक्ता और भगवानु नायक हैं जेसी से जुड़े के प्रवक्ता हैं और रामतार तिवारी जी हैं वरिष्ठ पत्रकार हैं। तीनों लोगों का स्वराज एक्सप्रेस में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो जिस तरीके से देखा जाए धनंजय जी आपसे ही सवाल है क्योंकि आज बीजेपी का कोई प्रवक्ता है नहीं तो सवाल और सत्ता में आप भी हैं तो ज्यादा सवाल आपसे ही बनते हैं कि जिस तरीके से कहा जा रहा है कि हम कोयला बंद कर देंगे तुम धान मत खरीदो फिर पानी बंद कर देंगे ये क्या चल रहा है। केंद्र सरकार के बिना आपकी बन जाएगी ये आपके बिना केंद्र सरकार की बन जाएगी ये किस तरह की बयानबाजी चल रही है। भदौरिया जी जिस बयान की आप बात कर रहे हैं ये बयान आज छत्तीसगढ़ का जन जन बोल रहा है। छत्तीसगढ़ की 2.5 करोड़ जनता भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और सांसदों को अगर छोड़ दिया जाए तो छत्तीसगढ़ का बच्चा बच्चा ये बात बोल रहा है। अगर आपको छत्तीसगढ़ का कोयला भी चाहिए छत्तीसगढ़ का बॉक्साइट भी चाहिए छत्तीसगढ़ का बिजली भी चाहिए छत्तीसगढ़ पानी भी चाहिए तो छत्तीसगढ़ का धान लेने में आपको आपत्ति किस बात की है ये सवाल आज जन जन कर रहा है। छोटा छोटा बच्चा कर रहा है हर किसान हर व्यापारी हर युवा कर रहा है हर महिलाएं कर रही है केंद्र सरकार से। आखिर छत्तीसगढ़ के किसानों ने क्या बिगाड़ा है जो धान के पैदावार करते हैं धान के अच्छी पैदावार करते हैं और राज्य की सरकार मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल की सरकार जब किसानों को उनका धान का 25 रुपए लागत मूल्य दे रहे हैं जब उनका मूल्य दे रहे हैं तो फिर भारतीय जनता पार्टी को आपत्ति किस बात की है क्यों नहीं लिया जा छत्तीसगढ़ धान। तो ये जो सवाल आपने किया है ये छत्तीसगढ़ का जन जन का सवाल है और इस सवाल को लेकर छत्तीसगढ़ आज चिंतित है और जनता में भूपेश माफ कीजिएगा मोदी सरकार के खिलाफ और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ एक बहुत बड़ा आक्रोश है वो बाहर आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल आपने कहा लेकिन जन जन की बात लेकिन कहे आपकी सरकार के मंत्री रहे हैं पर जन जन हो सकता है कि उनकी आवाज पर रख रहे हो। लेकिन जिस तरीके से देखा जाए धनंजय जी अभी जैसे कि खुद मंत्री मोहम्मद अकबर जी ने यह कहा था कि जो धान लेना चाहती है केंद्र वो 2500-2500 लाख टन के मैट्रिक टन की तकरीबन लेना चाहती है जो कि उसकी एमएसपी के अकॉर्डिंग है जो पहले भी लेती आई है। खुद केंद्रीय मंत्री ने यह कहा कि हमारी सरकार जब थी तब भी हमें बोनस नहीं दिया गया था तब भी 3 साल की वजह से हम बोनस नहीं दे पाए थे जिसकी हमें भुगतना पड़ रहा है। तो केंद्र सरकार का जो आज से 2 साल या 3 साल पहले एमएसपी थी वही अब है लेकिन अब टकराव की स्थिति क्यों। देखिए जिस प्रकार से जो केंद्र में श्री मोदी जी की सरकार है उसका छत्तीसगढ़ विरोधी और किसान विरोधी जो चेहरा है इसकी बखान उनके ही सरकार के मंत्री रेणुका सिंह ने यहाँ पे कर दिया है। जब 2013 की हम बात करते हैं जब भारतीय जनता पार्टी जो राज की है वो 2100 रुपए धान का समर्थन मूल्य दाम में खरीदने की बात करती है और 300 बोनस देने का उनके वादा किसानों के साथ किया और सरकार बनाए तो किस प्रकार से छत्तीसगढ़ किसानों के साथ छल धोखा हुआ जिसका खामियाजा आज खुद ही बात को स्वीकार करके भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ा है और सबसे ज्यादा किसी को नुकसान हुआ था तो छत्तीसगढ़ किसानों को नुकसान हुआ था। तो कहीं ना कहीं स्पष्ट हो चुका है कि केंद्र सरकार का जो रवैया है किसानों के प्रति ठीक नहीं है। आज हम कह रहे हैं कि 2 साल जब आपने बोनस देने का अनुमति दिया 2 साल जब आपने छत्तीसगढ़ सरकार से धान को खरीदा है तो आज फिर आपको धान जो सेंट्रल पूल में छत्तीसगढ़ चावल को लेने में एतराज किस बात का है किस बात की आपत्ति है। स्वयं श्री मोदी जी का लक्ष्य है कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करेंगे
और एक राज्य सरकार जिसके माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी हैं, जो अपने संसाधन से अपने बलबूते से किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत कर रहे हैं, ऐसे में अड़ंगा अटकाना कहीं न कहीं इनकी जो किसान विरोधी जो नीति है उसको स्पष्ट करता है। चलिए रामोतार जी, जिस तरीके से देखा जाए दोनों की एक समझे अगर समीकरणों को, तो केंद्र लेना चाहती है 25 लाख टन मेट्रिक टन जो लेना चाहती है धान, जो कि उसके एमएसपी पिछले साल की तरह रही थी, और अभी वो वही उतना ही धान लेना चाहती है, इससे ज्यादा नहीं लेना चाहती है। उसने खारिज कर दिया है वो लेटर जो भेजा गया था कि 34 लाख टन का जो मेट्रिक टन है धान खरीदा जाए। लेकिन अब जिस तरीके से अब ये कहा जा रहा है कि अगर केंद्र नहीं लेती है तो पूरा जो 84 लाख टन का लक्ष्य रखा गया है, पूरा जो खपत है वो वहन करेगी राज्य सरकार। तो जब अगर इतना बहन कर रही है तो 25 लाख टन की जो बात करी केंद्र सरकार को, वो दे दीजिए, उनकी रजामंदी कर दीजिए, बाकी कितना बचेगा? अगर आप 34 का लक्ष्य रख रहे हैं तो 10 लाख टन की तो हो रही है, तो आप जब पूरा जब 84 की खपत की बात कर रहे हैं तो 10 अगर एक्स्ट्रा बढ़ जाता है तो क्या दिक्कत है? दोनों की बात रह जाएगी। देखिए, ये दोनों राजनीतिक दल अपने विचारधारा और अपनी पार्टी को मजबूती की बात कर रहे हैं, वो ये बात ध्यान देते कि किसानों की बात करते तो ज्यादा हितकर होता। इसको इस तरह से समझना पड़ेगा। देखो, कांग्रेस उसने चुनाव में वादा किया था कि हम धानों किसानों के धान लेंगे, उनको 2500 रुपया देंगे, अब वो वादा पूरा करने जा रहा है। वादा पूरा करने के कारण उसकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो रही है, तो ये इसलिए जो है वो ये लगातार मुद्दा उठा रही है कि हम किसानों को शुभचिंतक हैं, हम किसानों के हित की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम किसानों को फायदा देना चाहते हैं। उसकी ये नीति है, इस तरह से वो अपने आप को मजबूत करने लगा है। दूसरी तरफ जो भाजपा है, भाजपा पिछले 5 सालों के अगर देखेंगे तो पिछले 5 सालों में भाजपा ने 2 बार बोनस दिया और धान भी खरीदा केंद्र सरकार ने, तो अब जो क्योंकि पार्टियां अलग अलग हो गई हैं, इसलिए जो केंद्र सरकार का रवैया थोड़ा राजनीतिक तरीके से होने के कारण ये विवाद की स्थिति बनी है। दूसरी तरफ अगर देखेंगे तो छत्तीसगढ़ सरकार को इस मामले में केंद्र सरकार से झगड़ा नहीं करना चाहिए, उसके वार्ता जो है वार्ता का रास्ता रखना पड़ेगा। झगड़े का कोई अंत नहीं है और झगड़े से कोई फायदा नहीं है, और इस तरह से झगड़े से अन्य चीजों में नुकसान जनता का हो सकता है, प्रदेश का हो सकता है। तो इसको इस तरीके से संदेश देना है आपको कि आप किसान के शुभचिंतक, अगर कांग्रेस को शुभचिंतक है संदेश देना है तो और भी तरीके हो सकते हैं, सीधे टकराहट से केंद्र सरकार से इस तरह के कई और योजनाओं को, अच्छी अच्छी योजना आने में विलंब होगा, जाहिर है केंद्र सरकार से बजट लेने में दिक्कत होगी, और जिस तरह से कई योजनाएं केंद्र सरकार के पोषित योजना है जो राज्यों में चलती है, तो उसको लेकर अगर टकराहट बनेंगे तो भी 5 साल केंद्र सरकार को भी चलना है, 5 साल राज्य सरकार को भी चलना है। सही। तो तभी राज्य के लोगों का भला हो सकता है जब ये टकराहट छोड़कर इस मामले में दोनों लोगों को अपनी हठधर्मता छोड़ते हुए जनता के हित में और खासकर किसानों के हित में, किसान एक सबसे, अगर आप मजबूत करना चाहते हैं किसी को तो किसान को मजबूत करना सही निर्णय होगा। और हर सरकार जो होती है, चाहे वो भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, वो किसानों की बात करती है क्योंकि वो बड़े वोट बैंक है, मगर उनको जब देने की पारी आती है तो राजनीतिक छल प्रपंच इतने ज्यादा होते हैं, इसके कारण भी लोगों को नुकसान होता है, किसानों को नुकसान होता है। तो इस मामले में लोग अपने अपने राजनीतिक स्वार्थ के तहत बयान दे रहे हैं, उससे हटकर सभी राजनीतिक दलों को एकजुट होकर किसानों के हित में और किसानों की बेहतरी के लिए योजना लाने पर ही कदम उठाया जाना चाहिए, तभी प्रदेश का हित है और तभी सही राजनीति होगी। अन्यथा कथनी और करने की जो राजनीति है वो भी एक तरह से बदलनी चाहिए, वो जनता देख भी रही है। जो भी पार्टियां होगी, खुद केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह जी कह रही हैं कि हमको नुकसान हुआ है, पिछली बार भाजपा ने ये वादा किया था कि किसानों को बोनस देंगे, बोनस नहीं दिया तो उनको पार्टी को उनकी नुकसान हुआ और बुरी तरह हार भी। तो ये जिस तरह की स्थितियां हैं, दोनों राजनीतिक दलों को आगामी रणनीति को देखते हुए, प्रदेश को हित को देखते हुए और किसानों को हित को देखते हुए इस मामले में राज्य के भाजपा नेताओं को भी कांग्रेस के भाजपा को मिलकर बैठना चाहिए और ये डालना चाहिए कि ये प्रदेश का विकास
जिस तरह से पिछले वर्षों में होता रहा है वो और गति पकड़े और वास्तविक हकदार जो छत्तीसगढ़ की जनता किसान है उसके प्रति न्याय हो सके और उसका आत्मबल कैसे मजबूत हो, उनको कैसे मजबूत किया जाए, तो इस दिशा में अगर काम करेंगे तो ज्यादा फायदेमंद होगा। बिल्कुल, लेकिन वो होने वाला नहीं है रामदार जी, आज का समय ऐसा आ गया है कि राजनीतिक हित हमेशा टकराते हैं। देखो आपको सत्ता के लिए, अगर आप सत्ता के लिए टकराहट है कि सत्ता में किससे ज्यादा जनता को जनता खुश होगी, तो जनता को खुश करने के लिए कौन से तरीके बस, हो सकते बस, बस, वही। इस मामले में भाजपा नेताओं कम से कम बयान तो देना चाहिए कि देखो केंद्र सरकार फैसला करे या ना करे, जो भी करे, मगर राज्य के जो भाजपा नेता है उनका खुलकर बोलना चाहिए। जैसे आज रेणुका सिंह ने बोली, पहला जो नेता है छत्तीसगढ़ में रेणुका सिंह जी, आज इस मुद्दे पर खुलकर बोली और सारी स्थितियों को सामने रखी। ऐसे ही प्रदेश के अन्य नेताओं को भी पूरी स्थितियों को जनता के सामने रखना होगा, क्योंकि जनता देख रही है कि आप उसकी मुद्दे की लड़ाई लड़ नहीं रहे हो, आप अपनी पार्टी के हित की लड़ाई लड़ रहे हो, तो कहीं ना कहीं इसको लेकर कहीं भाजपा फंसती भी नजर आती है। भगवानी जी, आपकी पार्टी किस तरीके से इसे लेती है, क्योंकि घोषणा पत्र कांग्रेस ने जारी किया था और जो वादा किया था कि हम 25 रुपए समर्थन मूल्य में धान खरीदेंगे, लेकिन ये जिक्र नहीं किया था कि केंद्र अगर नहीं ये धान लेगी तो हम अटक जाएंगे, हम दे नहीं पाएंगे, या फिर इस तरीके की कोई समस्या आ सकती है, या फिर केंद्र के ऊपर भी इस तरीके के जो वादे हैं वो डिपेंड करते हैं कहीं ना कहीं तक, इनका जिक्र नहीं किया था। आप इस घोषणा पत्र की, इस घोषणा को किस तरीके से देखते हैं आपकी पार्टी? देखिए दीपक जी, मैं एक बात स्पष्ट करना चाहूंगा कि 15 साल छत्तीसगढ़ में किसानों की दुर्दशा हुई, यही कारण है कि इन्होंने जो एक जन घोषणा पत्र जो बनाया, जिसको आप भी कह रहे हैं, उस बात को बता रहे हैं, उसको देख करके छत्तीसगढ़ की जनता ने एक बम दी है। 69 विधायक आज इनके हैं। उसी तरीके से आप कुछ महीनों के बाद जब यहाँ विधान लोकसभा चुनाव होता है तो छत्तीसगढ़ की जनता ने केंद्र की मोदी सरकार को भी मजबूत किया, कहीं ना कहीं आज माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी बने हैं। तो आज ये दोनों ही पार्टियों को छत्तीसगढ़ की जनता ने भरपूर अपार समर्थन प्यार दिया, लेकिन आज जब किसानों के उनके वादे और उनका हक और उनके अन्याय की जब बात होती है तो दोनों ही पार्टी आज धान के नाम पर राजनीति कर रही है। ये कह सकते हैं ईगो बेस्ड पॉलिटिक्स इसको अपन कह सकते हैं। तो दोनों जो अभी जो राम अवतार जी जो कह रहे थे, हर धर्मिता की जो बात कह रहे थे, मैं बिल्कुल समर्थन करता हूं। आज कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ये दोनों धान पर राजनीति कर रहे हैं, धान खरीदने की बात कर रहे हैं, वो केंद्र की सरकार कहती है कि नहीं हम धान नहीं खरीद, तो ये कहीं ना कहीं कांग्रेस कि यह छत्तीसगढ़ की जनता किसानों के सामने सवालों के घेरे में कटघरे में आज खड़ी हो गई है। इनको प्राथमिकता तय करनी चाहिए। एक तो आपने 15 नवंबर से धान खरीदी की बात की, धान की कटाई चालू हो गई, अभी तो ये सुनने में आ रहा है कि कोचिया के पास जो है ना धान जो है मजबूरी बस किसान छत्तीसगढ़ के बेचना चालू कर दिए, चाहे धमतरी मंडी की बात हो या राजनांदगांव की मंडी की बात हो, 1500 रुपए प्रति क्विंटल में बेच रहे हैं, उनका एक बड़ा आर्थिक नुकसान हो रहा है। ऐसे में अगर ये आगामी नगरी निकाय चुनाव को देख करके दोनों पार्टी अगर ये राजनीति करते हैं धान खरीदी के नाम पर, तो कहीं ना कहीं इनकी राजनीति के चलते छत्तीसगढ़ की जनता का, छत्तीसगढ़ के जो किसानों के साथ ये बहुत हो रहा है। ये पहला अवसर नहीं है जब केंद्र सरकार ने मना किया हो, इससे पहले प्रथम जो सरकार बनी थी माननीय जी जोगी जी की, उस समय भी अटल जी ने मना कर दिया था और जोगी जी ने एक बड़ा निर्णय लेते हुए उन्होंने 1000 करोड़ रुपए का कर्ज लेकर के छत्तीसगढ़ के किसानों को धान खरीदा। रमन सिंह की गवर्नमेंट आई उस समय भी सरकार ने मना किया था, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, वो बात अलग है, वो नहीं खरीद पाए, इसीलिए कहीं ना कहीं उनको भुगतना पड़ा। तो आज कहीं पर छत्तीसगढ़ की जो सरकार है उनको प्राथमिकता तय करनी चाहिए। सिर्फ चिट्ठी लिख देने से आपकी जिम्मेदारी तय नहीं नहीं हो जाती, जैसा कि आदरणीय राम अवतार तिवारी जी ने कहा कि यहाँ पर सर्वदलीय बैठक जाना चाहिए। बैठे आप अगर कहते हैं कि हम आर्थिक नाकेबंदी कर देंगे, आप कहते हैं कि हम कोयला नहीं देंगे, एक प्रकार से आप अगर आप एक दबाव आते हैं, एक धमकी कह सकते हैं, अगर दे सकते हैं, तो कहीं ना कहीं एक टकराहट जो है इन दोनों सरकार पर कई सरकार के बीच में जो होगा उसका परिणाम छत्तीसगढ़ की जनता को भोगना पड़ेगा। जो केंद्र सरकार के माध्यम से होने चाहिए थे वो कहीं ना कहीं रुकेंगे। तो आज दोनों पार्टी को हर धर्मिता छोड़ करके छत्तीसगढ़ के जनता के साथ न्याय करना चाहिए, वरना आने वाले समय में आप देखेंगे दोनों ही जो राजनीतिक दल है नगरीय निकाय चुनाव में भारी नुकसान। बिल्कुल धनंजय जी, एक धर्मलाल कौशिक जी ने भी कहा और ये परिपत्र का कमिश्नर को जो भेजे गए 1850 रुपए समर्थन मूल्य का, इसका क्या ये लोचा है? ये पत्र किसने भेजा? इससे किसान और जो अधिकारी हो उनमें इस तरीके के भ्रम पैदा करने की साजिश की।
देखिए अचल में आने में जैसा आरएसएस और भाजपा काम हमेशा भ्रम फैलाना है, वैसे ही भ्रम फैलाने काम रामलाल कौशिक जी भी कर रहे हैं। उस परिपत्र में स्पष्ट लिखा हुआ है कि केंद्र की सरकार ने धान का समर्थन मूल्य 1815 रुपए और 1835 रुपए तय किया है। उसके नीचे आप देखेंगे उसमें लिखा गया है कि राज्य सरकार के द्वारा जो प्रोत्साहन राशि अतिरिक्त राशि दिया जाता है उसमें अलग से दिया जाएगा। तो निश्चित तौर भारतीय जनता पार्टी किसानों के सामने अभी बेनकाब हो चुकी है, उनका किसानों का चेहरा जो आ चुका है, इसलिए इस प्रकार के भ्रम फैलाए जा रहे हैं उस पत्र में स्पष्ट उल्लेख। पहली बात। दूसरी बात, अभी वरिष्ठ पत्रकार तिवारी किसी के प्रवक्ता ने कहा कि हठधर्मिता कर रही कांग्रेस की सरकार, तो इनके जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं मैं, 3 बार केंद्र सरकार से पत्र व्यवहार किया गया है। राज्य की महामहिम राज्यपाल महोदया ने भी पत्र लिखकर सरकार से आग्रह किया कि किसानों का धान 2500 खरीदने अनुमति दिया जाए। तो ये किस प्रकार की हठधर्मिता हुई? हम पत्र लिख रहे हैं, ससम्मान बात कर रहे हैं, आज आग्रह कर रहे हैं, और सर्वदलीय बैठक बुलाया गया था, उसमें जेसीसी प्रमुख भी आए थे और उन्होंने 2500 मूल्य धान खरीदी में सरकार का समर्थन किया हुआ है। और जो भारतीय जनता पार्टी सदली बैठक में नहीं आए, किसान संगठन के लोग आए, तो कहीं ना कहीं जो राज्य की सरकार है सभी दलों को साथ लेकर सभी प्रकार के उपायों कर सांसदों को बुलाया गया था। और आज जो केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह जी आज जो बयानबाजी यहाँ पे कर रहे हैं, उन्होंने तो पत्र लिखकर जवाब दिया, किसी कारणवश आ नहीं सकते, तो कहीं ना कहीं इनकी जो किसान विरोधी जो नीतियां हैं भारतीय जनता पार्टी की उसका ही पालन ही लोग कर रहे हैं। और मैं आपको इस चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, ये देश में पहली ऐसी राज्य है जहाँ सत्ता पार्टी 2500 रुपए में धान खरीदने के लिए तैयार खड़ी हुई है और मुख्य विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी बोलती है कि नहीं नहीं किसानों का धान अब 1800 रुपए के भाव में खरीदे। ये पहले बार हो रहा है, क्योंकि विपक्ष काम होता है कि जनता को ज्यादा से ज्यादा सुख सुविधा देने के लिए सत्ता पक्ष को मजबूर करना। पहली बार ऐसा हो रहा है कि सत्ता पक्ष कह रहा है विपक्ष को चलिए हमारे साथ में 2500 रुपए हमको धान खरीद तो लेकिन धनंजय जी ये एमएसपी तो जिसका जिक्र कर रहे हैं वो केंद्र ने बीजेपी की सरकार जब वहां पे थी तब से शुरू कर दिया 3 साल से, खुद उन्होंने एक्सेप्ट किया है ये। आप पूरा केंद्र पर किस तरीके से डाल सकते हैं, केंद्र ही गलत है। हम केंद्र जो बोल रहा है कि जो धान जितना खरीदते थे उतना हम खरीदेंगे, सरकार के दबाव नहीं खरीद रहे हैं। आप 3 साल का अगर वो बोनस देते तो शायद बीजेपी की हालत नहीं होती। 3 साल का अगर बोनस दे देते तो बीजेपी की हालत नहीं होती। खराब तो नहीं होती गगनबाजी से ना। बीजेपी ने किसानों का अपनी सरकार के साथ ये कर सकते हैं तो आप ये कैसे कर सकते हैं कि मेरे साथ ही भेदभाव हो रहा है? कुछ बैठ के इसका समझस निकालिए ना, कुछ उपाय निकालिए ना कि कैसे केंद्र भी संतुष्ट है और राज्य सरकार भी संतुष्ट है। तो पद ये उपाय, क्योंकि केंद्र की सरकार जो है, केंद्र की सरकार जो है पत्र व्यवहार करके बोलती है कि आप 2500 में धान खरीदेंगे तो बाजार में अफरतफरी मच जाएगा। कैसे अफरतफरी मचेगा जब पूरे देश में आर्थिक मंदी है? इस दौरान राज्य सरकार ने 2500 में किसानों का धान खरीदा तो छत्तीसगढ़ मंदी के दौर से दूर निकल। ऐसे में इस प्रकार के आरोप लगाना श्री मोदी जी की सरकार का किसान विरोधी चेहरा सामने आता है। रामोतार जी अगर मान लीजिए, बात समझ जाता हूँ हर राज्य जो है ये कहते हैं कि किसान का विकास होना चाहिए, आत्मनिर्भर होना चाहिए। हम जो खेती करते हैं, जो किसान खेती करते हैं, जो अपना जीवन उसमें पूरा लगा देते हैं, उनके विकास के लिए रास्ते निकालना जरूरी है। ज्यादातर हम ये होता है कि उद्योगपति उद्योग लगाता है, बहुत तेजी से बढ़ता है, उद्योग में मुनाफा ज्यादा रहता है, उसकी सहूलियत ज्यादा दी जाती है, तो लगातार देखेंगे इसीलिए लोग उद्योग के प्रति आकर्षित होते हैं, उद्योग की तरफ जा रहे हैं। दूसरी तरफ जो बहुसंख्यक वर्ग है जबकि उतनी रोजगार नहीं है, किसानों से रोजगार मिलता है, आप के लिए उसका उचित मूल्य नहीं दे पा रहे हैं। किसानों को उचित मूल्य दीजिए, उनके खाद बीज की व्यवस्था कीजिए, मिट्टी का परीक्षण कीजिए, उनको स्वलंबी बनाइए, उनको बेहतर बाजार दीजिए। आप अगर खेती किसानी बड़ा वर्ग ज्यादातर सरकार जो है उसका सरोकार जनता से होता है, ज्यादा लोग को रोजगार का काम और ज्यादा लोगों को जीवन कैसे होंगे, सरकारों को इस दिशा में सोचना पड़ेगा। इस दिशा में अगर सोचेंगे तो सबसे उचित माध्यम और अच्छा माध्यम किसान है, खेत है, तो खलियान है। तो इस तरफ अगर सरकार को ध्यान देना है तो उसको बाजार देना पड़ेगा, बाजार का मूल्य देना पड़ेगा, उसके जीवन को जीने के तरीके देना पड़ेगा, जो उस तरफ शोध करना पड़ेगा, उस दिशा में सोचना पड़ेगा। तो इस दिशा कदम नहीं उठाएंगी, इस दिशा में सरकार अगर सोचेंगे नहीं, नीतियां नहीं बनाएंगे तो कैसे हल होगा?
इस समस्या में एक तरफा हल होगा, लोगों को जो आकर्षण हर समय व्यापार दिखेगा, शहर दिखेगा और गांव उजड़ेंगे, खेत उजड़ेंगे, बंजर भूमि होगी, असंतुलन जो समाज में आएगा वो पर्यावरण का असंतुलन, तो कई ऐसी समस्याएं बढ़ेगी। तो सरकारों को कहीं ना कहीं खेती की तरफ ध्यान देना पड़ेगा, उससे समाज में भी संतुलन स्थापित होगा, पर्यावरण भी संतुलन स्थापित होगा, ज्यादा लोगों को रोजगार देंगे और अन्न जो है, अन्न का सही जो सबको चाहिए, लाखों लोग भूखे मर रहे हैं, उनको एक अनाज उपलब्ध हो पाएगा। तो सरकार को अगर सब चीज बड़े पैमाने पर अगर सोचे तो किसानों को बेहतरी के लिए उचित मूल्य देने का समय है, ठोस कदम उठाने का समय है। इस दिशा में अगर सरकारें ध्यान देंगी तो ज्यादा कल्याण की, समाज कल्याण की बात होगी। बिल्कुल धनंजय जी, जिस तरीके से हालात बन रहे हैं और केंद्र सरकार को कोयला पानी देना बंद कर देंगे, जिस तरीके की बयानबाजी चल रही है, केंद्र का कुछ नहीं जाएगा, केंद्र किसी दूसरे राज्य से इसकी आपूर्ति कर लेगी, लेकिन मुद्दा ये होता है कि इससे आपकी कई योजनाएं केंद्र सरकार के ऊपर भी निर्भर करती है, जिससे किसानों और छत्तीसगढ़ की जनता का हित होगा। तो बेहतर ये है कि बैठ के कोई समंजस से निकालने की बजाय, खुद रेणुका जी ने जो केंद्रीय मंत्री, उन्होंने कहा है कि कभी 5 मिनट का वक्त मुझे नहीं दिया या फिर मुझसे छत्तीसगढ़ के विकास के ऊपर कभी 5 मिनट की बैठक नहीं की। तो इस तरीके की हालात क्यों बन रहे हैं कि विपक्ष के सांसद ये बोल रहे हैं, विपक्ष की या ये कहे केंद्रीय मंत्री ये बोल रहे हैं कि हमारे साथ कोई बैठक नहीं, कोई हालचाल नहीं जानना या फिर कोई समय नहीं देना या कोई विकास की बात नहीं करना, ऐसे ऐसी इस तरीके से विपक्ष भी एक आपका ही राइट हैंड है जैसा देखा जाए, तो आप उन्हें समंजस में लेके केंद्र सरकार से बातचीत क्यों नहीं करते, जिससे जल्द हल निकल सके, किसानों को फायदा और आपको भी नुकसान ना हो। बढ़िया सवाल आपने किया भदौरिया जी, और मेरे ख्याल से इस सवाल तो आपको रेणुका सिंह जी से करना था कि जब आपको राज्य सरकार ने पत्र लिखकर बैठक में आमंत्रित किया तो आप पत्र लिखकर राज्य सरकार को भेजते हैं कि आप बैठक में उपस्थित नहीं हो पाएंगे, किसी और काम में आप व्यस्त हैं, तो कहीं ना कहीं किसानों के लिए इनके पास समय नहीं है, छत्तीसगढ़ जनता के लिए इनके पास समय नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, जब आपको पत्र लिखकर बता दिया गया है कि 2500 रुपये धान का खरीदी मसले पर बैठक है, तो आप उस बैठक में आप उपस्थित नहीं भी हो पाए तो भी आप केंद्रीय मंत्री हैं, तो एक पत्र व्यवहार श्री नरेंद्र मोदी सरकार को कर सकते हैं, क्या इनकी जिम्मेदारी नहीं है रेणुका सिंह की? क्या वो जिस सांसद क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं क्या वह किसान नहीं है? तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो है और भारतीय जनता पार्टी सांसद जो है श्री मोदी सरकार के सामने अपने छत्तीसगढ़ के बातों को रखने में डरते हैं, ये स्पष्ट हो चुका है। लगातार इनसे संपर्क किया जा रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी खुद लगातार पत्र लिख रहे हैं, राज्यपाल महोदया जी पत्र लिखी हुई है, इसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि सामंजस्य की बात करना गलत होगा यहाँ पे। लेकिन धनंजय जी, जिस तरीके से देखा जाए, सरकार आपकी है, वादे आपके अधूरे पड़े हैं, 5 साल आपको चलानी है, तो बेहतर है कि आप अपनी तरफ से जो भी पहल बन सकती है वो कोशिश करें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका धनंजय जी, रामदास जी और भगवान जी, आप तमाम जानकारी और जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे इस खास प्रश्न में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।